नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी टेक न्यूज़ के एक और फ्रेश एपिसोड में। मैं हूँ कुंश शाह, लेके आपके लिए कमाल की टेक न्यूज़। तो चलिए आज बात करते हैं मोटोरोला X4, जो इंडिया में फाइनली लॉन्च हो चुका है। मोटोरोला का एक और फ़ोन एक्स सीरीज़ का। तो बात करते हैं उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में, क्या है, क्या आपको लेना चाहिए, कौन से ऑफर्स लॉन्चिंग के वक्त आने चाहिए। तो सबसे पहले मोटोरोला X4 जो आज इंडिया में लॉन्च हो गया है, तो आपको फ्लिपकार्ट के थ्रू एक्सक्लूसिवली अवेलेबल रहेगा। उसके बाद स्मार्टफोन को IP68 रेटेड किया है, डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है। वो अमेज़ॉन के एलेक्सा सपोर्ट के साथ भी आएगा। जब तक अमेज़ॉन मोटो एलेक्सा ऐप रिलीज़ नहीं करता, तब तक शायद आपको वो सपोर्ट ना मिले। उसके बाद मोटो X4 जो फर्स्ट स्मार्टफोन है, वो नए स्नैपड्रैगन 630 SoC पे लॉन्च हुआ है इंडिया में। उसके बाद 2 वेरियंट्स में लॉन्च हुआ है, 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ, या फिर 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ, और दोनों को ड्यूअल सिम सपोर्ट है। और ये फर्स्ट अनवील किया था सिंगल सिम वेरिएंट में IFA 2017 में। तो जो मोटो X4 है, बेसिकली 20,000 से स्टार्ट होगा, 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज वेरिएंट का, और 4 GB रैम 64 GB इंटरनल का, वो होगा आपको 23,000 में अवेलेबल। तो ये आपको सुपर ब्लैक, स्टर्लिंग ब्लू कलर वेरिएंट्स में अवेलेबल होगा। और मोटो X4 है वो आपको मंडे यानी आज 11-12 बजे से सेल चालू हो गई थी उसकी। तो जो लॉन्च ऑफर से मोटो X4 के लिए, वो एडिशनल 2,500 डिस्काउंट के साथ होगा। अगर आपका ओल्ड स्मार्टफोन रिप्लेस करते हो मोटो स्मार्टफोन से, और 10% ऑफ होगा HDFC बैंक क्रेडिट की डेबिट कार्ड्स के साथ, और गारंटी 50% स्मार्टफोन की वैल्यू EMI स्कीम्स के साथ। तो अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इसमें ड्यूएल सिम नैनो कार्ड्स है, उसके बाद एंड्रॉयड 7.1 पॉइंट नुगेट है, उसके बाद 5.2 इंच का फुल HD डिस्प्ले 1080x920 पिक्सल्स का, उसके बाद IPS डिस्प्ले 424 पिक्सल पर आई का, और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन है। उसके बाद ऑक्टोकोर स्नैपड्रैगन 630 SoC जो 2.2 GHz तक लॉक्ड है। उसके बाद 4 GB की रैम भी मिल जाएगी, और 3 GB वेरिएंट में भी अवेलेबल है। उसके बाद 2 MP प्राइमरी कैमरा है, 12 MP के ड्यूएल ऑटो फोकस पिक्सल सेंसर है, 2.0 एपेचर का और 1.4 माइक्रोन पिक्सल्स का। उसके बाद 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर है, जो आपको 120 डिग्री का एक फील्ड व्यू देता है। उसके बाद 2.2 एपेचर का है और 1.12 माइक्रो पिक्सल्स का है। तो जो ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप है, वो कलर कोल रिलेटेड टेम्परेचर के साथ किया है, और ड्यूएल LED फ्लैश है जो फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस को सपोर्ट करेगा। ओवरऑल जो सेटअप है काफ़ी अच्छा है। तो मोटो X4 एक काफ़ी मिड रेंज बजट फ़ोन है। अगर 18-19 तक अवेलेबल होता इंडिया में तो काफ़ी अच्छा होता। ये थोड़ी प्राइस हाइज हो गई, 22,000 के हिसाब से 22 से आपको 24 जितने में मिल रहा है। तो दोनों के फीचर्स तो सेम है, बस थोड़े ऐड हो जाते हैं अलग अलग फ़ोन में। आपको टर्बो पावर चार्जर भी मिलेगा 15 वाट का, 6 आवर्स की पावर मिलेगी, 15 मिनट्स ऑफ चार्ज बोल रहे हैं, पता नहीं अब होगा क्या नहीं उतना नहीं पता। तो देखते हैं अभी मोटो X4 कितना अभी अच्छा परफॉर्म करता है इंडिया में, देखने वाली बात होगी। तो शुक्रिया दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।